बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रदेश में अधिकारियों के जल्द हो सकते हैं तबादले। 5 जून के बाद कभी भी हो सकता है बड़ा फेरबदल। अफसरों और कर्मचारियों की बदल सकती है जिम्मेदारी। प्रदेश के सभी जिलों में हो सकते हैं बड़े फेरबदल। तो ये मध्य प्रदेश प्रशासन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां अब लोकसभा चुनाव भी लगभग खत्म ही होने वाला है। और ऐसे में ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी पूरी हो गई है। प्रदेश में अधिकारियों के जल्द हो सकते हैं तबादले। बता दूं कि 5 जून के बाद कभी भी हो सकता है बड़ा फेरबदल। अफसरों और कर्मचारियों की बदल सकती है जिम्मेदारी। प्रदेश के सभी जिलों में हो सकते हैं बड़े फेरबदल। देखिए, इस खबर पर अपडेट्स लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर से। श्याम जी, आमतौर पर देखा ही जाता है कि चुनाव के बाद तबादले देखने को मिलते हैं। आचार संहिता हटने के बाद एमपी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। किन विभागों में तबादले देखे जा सकते हैं? देखिए अंजलि, क्योंकि प्रशासनिक सर्जरी इसलिए सरकार करती है कि उसको लगता है कि सिस्टम ठीक से चलना चाहिए। कई बार अधिकारी जिलों में जाने के बाद में कहना चाहिए उन पर नियंत्रण नहीं रहता, वो अपने हिसाब से चीज़ें करने लगते हैं और इसका परिणाम जनता को भुगतना होता है। तो सरकार की ये कोशिश होती है कि जो उसकी योजनाएँ हैं वो ठीक से चलें, इसके अलावा विकास ठीक से हो और साथ साथ में जनता भी खुश रहे, जनता का जो है जो भरोसा है वो कायम रहे, इसलिए ज़रूरी होती है प्रशासनिक सर्जरी। हमने देखा चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि चुनाव आयोग ये निर्देश जारी करता है जो लंबे समय से 3 साल से पदस्थ हैं उनको आप हटाइए, उनको अब सरकार अपनी मर्जी से जो जिन जिलों में फोकस करना चाहती है उन पर फोकस करेगी। आपने ये जानना चाहा कि किन विभागों में, लगभग सभी विभागों में प्रशासनिक सर्जरी जो है होनी तय है और सभी जिलों में तय है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि सिर्फ आचार संहिता हटने का इंतजार कर रही थी सरकार? डेफिनेटली आचार संहिता हटेगी तो सरकार अपने हिसाब से बहुत कुछ चेंज करेगी, बदलाव लाएगी, ताकि वो जो सोचती है, वो जिन उद्देश्यों पे काम करना चाहती है, जिन जिलों में काम करना चाहती है, जो नए अधिकारी जाएंगे वो उनको लक्ष्य करेंगे, फोकस करेंगे और काम तेजी से होगा, जनता भी खुश रहेगी। चलिए ठीक है श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुस्तक विक्रेता, स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक और संचालक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दूं कि 11 स्कूलों के 20 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है ये मामला। देखिए, स्कूलों की मनमानी, फीस वृद्धि और निश्चित दुकान से ही यूनिफॉर्म स्टेशनरी की खरीदारी का दबाव बनाने की शिकायतें आती रहती है और उसी को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है और लगातार जारी है प्रशासन की ये कार्रवाई। और इसी में जबलपुर से ये खबर मिल रही है कि जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन निकलकर सामने आया है। पुस्तक विक्रेता, स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक और संचालक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुल 11 स्कूलों के 20 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। तो देखिए, ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां स्कूलों में मनमानी देखी जाती है, निजी स्कूलों की फीस बढ़ा देते हैं, निश्चित दुकान से ही यूनिफॉर्म स्टेशनरी खरीदने का दबाव बनाते हैं, इस तरीके की शिकायतें आती रहती है। इस तरीके से परिजन जो हैं, जो परिवार वाले हैं, छात्रों के माता पिता हैं, वो परेशान रहते हैं और उसी को देखते हुए ये प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुस्तक विक्रेता, स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक और संचालक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 11 स्कूलों के 20 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू से। दुर्गेश, मध्य प्रदेश में साल 2018 में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर नियम बना दिए गए थे, लेकिन इन निजी स्कूल संचालकों का नियम दरकिनार करके मनमानी करना खत्म नहीं हो रहा है। बिल्कुल अंजलि, और इसी पर चोट की है जबलपुर जिला प्रशासन ने, जिस तरीके से कार्रवाई की है, क्योंकि पिछले 2 महीने की ये कवायद थी, जिसका नतीजा निकला कि जबलपुर जिला प्रशासन ने 11 स्कूलों के खिलाफ 20 मामले दर्ज किए हैं और जिनमें 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 20 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और निश्चित तौर पर ये उस निजी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली पर एक बड़ी चोट जिला प्रशासन ने की है, क्योंकि जो खुलासा हुआ है जिला प्रशासन की रिपोर्ट में वो वाकई हैरान कर देने वाला है। जिन 11 स्कूलों पर ये प्रकरण दर्ज किए गए हैं, उन 11 स्कूलों ने 21,000 छात्रों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए अतिरिक्त फीस वसूली है।
और मनमाने तरीके से इन्होंने हर साल फीस वृद्धि की थी, 50% से ज्यादा फीस वृद्धि तक की है इन निजी स्कूलों ने, जबकि नियम ये है कि अगर आप 15% फीस बढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको राज्य सरकार से परमिशन ले ली होगी, जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी, उसके बाद पूरा ऑडिट होगा और फिर आपको अनुमति मिलेगी अगर जरूरत रहेगी तो। तो ऐसे में इन तमाम नियमों को दरकिनार करके निजी स्कूलों ने अपने मनमानी तरीके से फीस वृद्धि की और अभिभावकों को लूटने का काम किया और इसी लूट के तहत जी बिल्कुल दुर्गेश, फीस वृद्धि की तो की लेकिन करोड़ों तक ये आंकड़ा पहुंच रहा है। अब तक 11 स्कूल्स में इस तरीके का मामला देखने को मिला है, खुलासा हुआ है, क्या आगे भी कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल अंजलि, ये कार्रवाई अभी जारी है क्योंकि जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है इस पर प्रशासन की जो है लगातार नकेल कसी जाएगी और जिस तरीके से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी गिरफ्तारी और होना बाकी है। प्रशासन का सख्त कहना है कि ये आपराधिक घटनाक्रम है, इन स्कूलों ने अभिभावकों को लूटा है, ये 420 का मामला है और इसीलिए 9 अलग अलग थानों में धारा 420, धारा 471, 72 के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं जो पूरी तरीके से गैर जमानती हैं। इन्हें जेल जाना पड़ा है, कल मेडिकल इन तमाम आरोपियों का हो गया, उसके बाद सेंट्रल जेल चले गए और अब हाई कोर्ट से या कोर्ट से ही इनको जमानत मिलने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं छात्रों के लिए, परिजनों के लिए संतोषजनक खबर मिल रही है, स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि और निश्चित दुकान से यूनिफॉर्म स्टेशनरी की खरीदारी का दबाव बनाने की शिकायतें जो आती रहती है उसको लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए यही बात कर रहे हैं हम, निजी स्कूल्स की मनमानी पर जबलपुर जिला प्रशासन ने बड़ी चोट की है। जिला प्रशासन ने निजी स्कूल्स की मनमानी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत 11 स्कूल्स के संचालकों के खिलाफ न केवल FIR दर्ज की गई है बल्कि गिरफ्तारी भी हो गई है। उनकी देखिए रिपोर्ट इस पर। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी पर जबलपुर जिला प्रशासन ने बड़ी चोट की है। पिछले 2 महीने से चल रहे एक विशेष अभियान के तहत स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन सख्ती से एक्शन ले रहा है। खास तौर पर स्कूलों की किताबों को लेकर मिल रही शिकायतों पर जांच पड़ताल हुई तो सामने आया कि निजी स्कूल और पुस्तक विक्रेताओं की सांठगांठ से पेरेंट्स को लूटने का काम किया जा रहा था। अब बड़ी खबर यह है कि 11 स्कूलों के संचालकों के खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज की गई बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निजी स्कूलों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के खेल का खुलासा किया है। कलेक्टर का कहना है कि जबलपुर जिला प्रशासन के पास निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि और निश्चित दुकान से ही यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की खरीदारी का दबाव बनाने की शिकायतें सामने आ रही थी। एक शिकायत तो ये कि फीस की बड़ी अनुचित वृद्धि की जाती है और मनमानी फीस वसूल की जाती है। दूसरी शिकायत ये आती है कि पुस्तकों के मामले में, स्टेशनरी के मामले में और यूनिफॉर्म के मामले में मनमाने दामों पर खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है और कुछ खास लोगों से लेने के लिए ही दबाव बनाया जाता है। मोटे तौर पर पिछले आपको याद होगा लगभग 50-55 दिन हो गए हैं जिनके बीच से हम जांच कर रहे हैं, तो मोटे तौर पर इन दो बिंदुओं के बीच में हमारी जांच पूरी रही है। ये कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 9 थानों में 11 FIR दर्ज कराई है और 20 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये सारी कार्रवाई फीस बढ़ोतरी, बुक पब्लिकेशन और स्कूल की मोनोपोली को लेकर हुई है। करीब 9 थानों में 11 FIR हुई है, इसमें 420, 409, 468, 471 IPC में, 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया। 11 स्कूलों ने 21,000 बच्चों से 81,30,00,000 रुपए की अतिरिक्त फीस वसूल की थी। इन स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल, ज्ञान गंगा स्कूल, स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल, लिटिल वर्ल्ड स्कूल, चैतन्य स्कूल, सेंट अलोयसिस स्कूल सालीवाड़ा, सेंट अलोयसिस स्कूल घमापुर, सेंट अलोयसिस स्कूल सदर, क्राइस्ट चर्च स्कूल घमापुर। इस पूरे मामले में 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है। साथ ही फीस वापसी को लेकर कलेक्टर ने अभिभावकों को रास्ता भी बताया है जिसमें अभिभावक जिला प्रशासन के पास आवेदन कर अपने खाते में फीस की वापसी करा सकते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में नजीर भी बनेगी और दूसरे स्कूलों की मनमानी पर रोक भी लगेगी। विस्तार न्यूज के लिए दुर्गेश साहू की रिपोर्ट।
देखिए लोकसभा चुनाव अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ओडिशा की अगर मैं बात कर लूं तो ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं और उसी से जुड़ी वार पलटवार की ये बड़ी खबर मिल रही है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पर मंत्री विश्वास सारंग ने हमला बोला है। लोग पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहा है कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने। ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बनेगी, ओडिशा में वीके पांडियन असली मुख्यमंत्री है, वही चलाते हैं सरकार, ऐसा दावा ठोका है मंत्री विश्वास सारंग ने। तो ये बड़ा हमला करते हुए नवीन पटनायक पर मंत्री विश्वास सारंग, सुनवाते आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग का व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में लाना चाहता है। विगत 25 साल से जब से नवीन पटनायक जी की सरकार उड़ीसा में है, उड़ीसा का बेड़ा गर्क हो गया। वो शेडो सीएम के रूप में काम करते हैं, असली तो पांड्यान जी जो है वो मुख्यमंत्री है। और देखिए अगली खबर सागर हत्याकांड से जुड़ी हुई है, सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है सागर हत्याकांड। सागर के बरोदिया नैनागिर गांव जाएंगे जीतू पटवारी, पीड़ित परिवार से मिलेंगे जीतू पटवारी। धारदार हथियार से चाचा की हत्या की गई थी और शव ले जाते हुए भतीजी ने वाहन से कूद कर दी थी जान। ये पूरा सागर हत्याकांड मामला जो निकल कर सामने आया है, अब वहां जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। बरोदिया नोनागिर गांव में पुराने मामले में राजीनामा करने की बात को लेकर दो पक्षों में शनिवार रात जमकर विवाद हो गया था और इस दौरान आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर राजेंद्र पिता रामसेवक अहिरवार पर हमला कर उन्हें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल पप्पू रजक और राजेंद्र अहिरवार को घायल हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद राजेंद्र अहिरवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल सागर रेफर किया गया। ये पूरा मामला था लेकिन अब इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। सागर के बरोदिया नौनागिर गांव जाएंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, वहां पीड़ित परिवार से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे जीतू पटवारी। और देखिए लोकसभा चुनावों में खटाखट फटाफट और लपालप के बाद टेम्पो की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया और क्या कुछ कहा, सुनिए हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजनीति अब गर्मा गई है, लोकसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और अब बस इंतजार है नतीजों का। 543 सीटों पर और लगभग दो महीनों से चल रहा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इन सब से पहले नेताओं की बयानबाजी और दावों ने चुनाव में नया मसाला जोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पटना में डेरा डाले हुए हैं तो वहीं इंडिया ब्लॉक का कुनबा पाटलिपुत्र के पालीगंज में अपनी साख बचाने में लगा हुआ था। सबसे पहले आपको इंडिया गठबंधन का जिम्मा थामे हुए राहुल गांधी का बयान सुनवा देते हैं। अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को 8,500 रुपए अंदर। आप देखोगे बोले ये क्या कहां से आया, इंडिया गठबंधन की सरकार ने उसको अंदर डाला। जुलाई में मिलेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चलता जाएगा। फटाफट फटाफट फटाफट। राहुल गांधी अपने बयानों में बड़े बड़े दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि वो देश की महिलाओं को 8,500 रुपए देंगे। अब जब राहुल गांधी मैदान में हो तो उनके राजनीतिक विरोधी बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आना तो लाजमी था। राहुल के इस बयान पर एमपी के सीएम ने पलटवार किया और उनके इस बयान के साथ ही लोकसभा चुनावों के सफर में टेम्पो की भी एंट्री हो गई। राहुल गांधी के बारे में क्या कहें, उनकी बात कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। जिसकी अपनी सरकार को 2014 में उनने गंवा दिया है, दूसरी बार जब चुनाव लड़ने गए तो सरकार गई 115 2014 के चुनाव में बचे, 2019 में कुल 52 रह गए एक बस की सवारी की तरह, और अब ये यही हाल रहे तो एक टेम्पो की सवारी रहेगी उनके पास सांसदों की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टेम्पो की एंट्री अब लोकसभा चुनावों को कौन से सफर पर ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार न्यूज।
और देखिए हाल ही में आंकड़े आए थे कि एमपी में पर्यटन बढ़ा और उसमें भी धार्मिक स्थल पे पर्यटक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचे। उसी से जुड़ी एक और खबर बताते हैं आपको। बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री राखी खन्ना कल सुबह भस्म आरती में शामिल होने के लिए महाकाल मंदिर उज्जैन पहुंची। दोनों एक्ट्रेस ने नंदी हॉल से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों एक्ट्रेस भारतीय परिवेश साड़ी में साधारण श्रद्धालु के रूप में शामिल हुई। इस दौरान करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में वो शामिल हुई और आरती के बाद दोनों ने महाकाल की देहरी से भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लिया। ये तस्वीरें देखिए आप, उज्जैन बाबा महाकाल मंदिर की है जहां पर बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री राखी खन्ना पहुंची थी, भस्म आरती में शामिल हुई और बाबा महाकाल का दर्शन किया।